स्वागत है जी तुहाडा सब दा तुहाडे अपने चैनल पंजाब नॉलेज हब दे विच। सो स्टूडेंट्स, जेकर तुसी चैनल ते नवे हो तां चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करो ते बैल आइकन नूं दबाना ना भुलो। सो स्टूडेंट, अज असी करांगे एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पैक्टर दा जो फ्री मॉक टेस्ट असी अपने टैलीग्राम ग्रुप विच लाया सी उस दा एक्सप्लेनेशन पार्ट टू च असी गल करांगे टैक्सेशन टॉपिक ते इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बारे। ये दो टॉपिक जिन्हों की वेटेज 40 मार्क्स की है पेपर च, ठीक है जी। इन्हों जो 40 मार्क्स का टोटल एग्जाम आऊगा। सो अज असी करांगे जो मॉक टेस्ट भी, तो टैक्सेशन के 20 क्वेश्चन से ते इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट के 20 क्वेश्चन से। सो नाल दी नाल जेकर तुहानू इन्हां दे आंसर पता ने तां तुसीं आंसर नाल दी नाल कमेंट बॉक्स च कीवें कमेंट करना है जी। जिवें फस्ट दा ऑप्शन ए करैक्ट है तां तुसीं ए लिख देना, बी करैक्ट है बी लिख देना, सी करैक्ट है सी, डी करैक्ट है डी। ठीक है दोस्तों, जेकर तुसीं चाहुंदे हो कि चैनल वालों एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पैक्टर लई जो लैक्चरस ने इकोनोमी दे ते इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट दे जे लैक्चर बनाए जाण तां तुसीं कमेंट बॉक्स च ई टी आई यस जरूर लिखना है तां चैनल वालों अगले लैक्चर बनाए जाणगे। सो आंदे आ क्वेश्चनां वल। मॉक टेस्ट विच पहला क्वेश्चन सी टैक्सेशन चो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनडायरैक्ट टैक्स। हेठां दित्तिआं विचों किहड़ा इनडायरैक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स, वैल्थ टैक्स, कारपोरेशन टैक्स जां फिर सेल्स टैक्स। तो इसका करैक्ट ऑप्शन की आ सकता है जी तुहाडे हिसाब नाल? तो इसका करैक्ट ऑप्शन जो आना सी ओ सी जी ऑप्शन नंबर डी, केड़ा इनडायरैक्ट टैक्स है, सेल्स टैक्स इन्हां विचों की है जी इनडायरैक्ट टैक्स है। दूजा क्वेश्चन सी जी, विच काइंड ऑफ टैक्स सिस्टम इज फाउंड इन इंडिया। भारत विच किस तरह का टैक्स सिस्टम पाया जाता है, प्रोग्रेसिव, डिग्रेसिव, प्रपोर्शनल जां फिर नन ऑफ दीज। तो भारत में किस तरह का टैक्सेशन सिस्टम पाया जाता है, तो डिग्रेसिव तरह का टैक्सेशन सिस्टम पाया जाता है। तो करैक्ट ऑप्शन आना सी जी ऑप्शन नंबर बी। अगे वधदे हां जी, तीजा क्वेश्चन सी मॉक टेस्ट का, रेवन्यू न्यूट्रल रेट इज अ कंपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सिस इन इंडिया। कहिंदे जी हेठां दित्ते टैक्सां विचों रेवन्यू न्यूट्रल रेट किस दा एक कंपोनेंट है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स, कस्टम्स जां फिर एक्साइज ड्यूटी। तो रेवन्यू न्यूट्रल रेट किस दा कंपोनेंट है जी, रेवन्यू न्यूट्रल रेट GST दा कंपोनेंट है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स दा। तो ऑप्शन नंबर ए साडा की है जी करैक्ट है। फोर्थ क्वेश्चन सी जी टैक्सेशन च, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉडी विल डिसाइड टैक्स रेट्स फॉर गुड्स एंड सर्विस अंडर GST डिजाइन। कहते जी GST डिजाइन के अंदर कि बॉडी डिसाइड करती है भी किस चीज़ पर किन्ने टैक्स रेट होंगे। ऑप्शन तुहानू दिते हुए सी जी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, फाइनेंस कमीशन, नीति आयोग या फिर GST काउंसिल। तो करैक्ट ऑप्शन जो अपना आना सी जी वह सी ऑप्शन नंबर डी, GST काउंसिल डिसाइड करती है जी GST डिजाइन के अंडर कि टैक्स रेट की होंगे। पंजवां क्वेश्चन सी जी मॉक टेस्ट का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करैक्ट इन रिलेशन टू GST। GST दे हिसाब नाल केड़ी स्टेटमेंट करैक्ट है। ऑप्शन ए सी जी द सर्विस प्रोवाइडर कैन अवेल इनपुट क्रेडिट ओनली ऑन सर्विस, द गुड ट्रेडर कैन अवेल इनपुट क्रेडिट ओनली ऑन गुड्स। ऑप्शन सी सी द सर्विस प्रोवाइडर कैन क्लेम इनपुट क्रेडिट ऑन गुड्स यूज फॉर परसनल कंजम्पशन। तो ऑप्शन डी सी द सर्विस प्रोवाइडर कैन अवेल इनपुट क्रेडिट ऑन सर्विस एज वैल एज गुड्स। तो ऑप्शन केड़ा करैक्ट आना सी, ऑप्शन नंबर डी अपना इस करैक्ट आना सी, द सर्विस प्रोवाइडर कैन अवेल इनपुट ऑन सर्विस एज वैल एज गुड्स। ठीक है जी, अगे वधदे हां जी। छेवां क्वेश्चन सी मॉक टेस्ट विच, इंडिया GST स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन हाउ मैनी स्ट्रक्चर्स। भारत का GST स्ट्रक्चर किन्ने स्ट्रक्चर से बेस्ड है, ऑप्शन दिते हुए सी 6, 4, 3 या फिर 2।
करेक्ट ऑप्शन आना सी जी अपना ऑप्शन नंबर बी। इन इंडिया जीएसटी इज ए ड्यूल मॉडल ऑफ, कहिंदे भारत विच जेड़ा जीएसटी है वो किस दा ड्यूल मॉडल है, यूके कनाडा जापान या फिर यूएसए। तां भारत विच जो जीएसटी सिस्टम है वो किस दा ड्यूल मॉडल है, कनाडा दा। तां ऑप्शन की करेक्ट आना सी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 सी जी दी मैक्सिमम रेट फॉर सी जी एस टी। तो आनु पता है जी जी एस टी है जो वो दो पार्टा में डिवाइड है, सी जी एस टी ते एस जी एस टी। इन्हां दोनों की फुल फॉर्म तुसी कमेंट बॉक्स से कमेंट करके जरूर दसनी है कि यदा मतलब की है। हुणे पूछ रहे हैं जी मैक्सिमम रेट फॉर सी जी एस टी, सी जी एस टी वास्ते मैक्सिमम रेट की हो सकती है, 28, 12, 11 या 20। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਆਣਾ ਸੀ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਸਾਡਾ ਕਰੈਕਟ ਆਣਾ ਸੀ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਰੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੀ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਵਾਸਤੇ 20। ਨੌਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਆਫ ਏ ਟੈਕਸੇਬਲ ਪਰਸਨ ਇਨਕਲੂਡ ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜਿਸ, ਐਕਸਕਲੂਡ ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜਿਸ, ਇਨਕਲੂਡ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਨ ਆਫ ਦੀਜ਼। ਤਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਆਫ ਏ ਟੈਕਸੇਬਲ ਪਰਸਨ ਐਕਸਕਲੂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਸ 'ਚ ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜਿਸ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਕਰੈਕਟ ਆਊਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਸੋ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨੋਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। 10ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, जी एस टी वॉज इंट्रोड्यूस विद इफेक्ट फ्रॉम, कहते जी जी एस टी गुड्स एंड सर्विस टैक्स भारत में कदों तो लागू होया, 1-1-2017, 1-4-2017, 1-1-2018 या फिर 1-7-2017। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स भारत में लागू होया सी जी 1-7-2017, 1 जुलाई 2017 नू। तो ऑप्शन नंबर साडा डी की है करैक्ट है। अगे वधदे हैं जी, 11वां क्वेश्चन सी द इंसीडेंस ऑफ टैक्स ऑन टैक्स इज कॉल्ड, कहिंदे जी इंसीडेंस ऑफ टैक्स ऑन टैक्स नू की कहा जाऊगा, टैक्स कैसकेडिंग, टैक्स पिरामिडिंग, टैक्स इवेशन या फिर इनडायरैक्ट टैक्स। तां जेड़ा इंसीडेंट हुंदा जी टैक्स ऑन टैक्स ते, ठीक है जी, उसनू असी कहिंदे आ टैक्स कैसकेडिंग। तां ऑप्शन नंबर ए की है जी साडा करैक्ट आना चाहिदा सी। अगे वधदे हां जी, 12वां क्वेश्चन, 92वां नहीं हैगा जी, 12वां क्वेश्चन, द टैक्स विच वॉज नॉट मर्ज इन टू जी एस टी, जी एस टी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है जी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स विच केड़ा टैक्स मर्ज नहीं किया गया, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी या फिर परचेज ड्यूटी। तो केड़ा टैक्स नहीं मर्ज किया गया, तो वह है जी बेसिक कस्टम ड्यूटी। तो ऑप्शन अपना सी करैक्ट है। अगे वधदे हां जी, 13वां क्वेश्चन, द टैक्स इनवॉइस शुड बी इशू डैश द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है जी, द टैक्स इनवॉइस शुड बी इशूड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस या फिर नन ऑफ दीज। तो टैक्स इनवॉइस है जो वो इशू होनी चाहिए है विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। तो ऑप्शन नंबर ए की है जी साडा करैक्ट है, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। अगे जी 14वां क्वेश्चन, इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी अलाउड ओनली अगेंस्ट एनी टैक्सेबल, आउटपुट टैक्स, कंपोजिट टैक्स या फिर रिफंड टैक्स। ए की है जी, ए क्वेश्चन तुहाडा होमवर्क है, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ 14th ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਸਰ ਨੋਟ ਫਾਊਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। 15वां क्वेश्चन,
ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ ਅਬਾਊਟ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰੈਕਟ ਹੈ? ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵਾਸ ਫੋਰਮਡ ਔਨ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जहां फिर ऑप्शन नंबर डी द नीति आयोग इज ए पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अपना ऑप्शन है जी जेड़ा ऑप्शन नंबर डी करैक्ट है, नीति आयोग की है जी पॉलिसी थिंक टैंक है किसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है जी, अगे वादे हैं जी। 16वां क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, वैन वाज नीति आयोग इस्टैब्लिश्ड? 1 जनवरी 2015, 25 जनवरी 2016, 14 मई 2014 या फिर 1 जुलाई 2015? नीति आयोग कदों बनया? ठीक है जी, तो नीति आयोग फॉर्म कदों होया जी? 1 जनवरी 2015। तो अपना करैक्ट ऑप्शन की होगा जी? ऑप्शन नंबर ए साडा करैक्ट है, 1 जनवरी 2015 नू नीति आयोग इस्टेब्लिश होया। अगे वधदे हां जी, 17वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करैक्टली अबाउट नीति आयोग? ए नीति आयोग का हेड ऑफिस दिल्ली, बी नरेंद्र मोदी चेयरमैन, सी पेरेंट एजेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डी नीति आयोग रिप्लेस्ड नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो कहड़ा करैक्टली मैच नहीं खाता? तो वह है जी ऑप्शन नंबर डी, नीति आयोग ने रिप्लेस नहीं की नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो ऑप्शन नंबर डी साडा की आना सी करैक्ट आंसर आना सी। वधदे हां जी 18वें क्वेश्चन वाल, एन ओपन इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी इन विच? ये क्वेश्चन पंजाब के एग्जाम्स च बहुत बार रिपीट होया है जी। ठीक है जी, ओपन इकोनॉमी यह जी इकोनॉमी होंगी है जिस विच एक्सपोर्ट एज वेल एज इंपोर्ट टेक्स प्लेस, फॉरन इन्वेस्टमेंट इज अलाउड, फॉरनर कैन स्टे फॉर एन इंडेफिनेट टाइम पीरियड, या फिर नन ऑफ दीज। तो ओपन इकोनॉमी यह जी इकोनॉमी होंगी है जी जिस विच इंपोर्ट एज वेल एज एक्सपोर्ट्स टेक्स प्लेस। तो ऑप्शन नंबर ए है जो साडा वो करैक्ट है। वधदे हैं जी अगले क्वेश्चन वाल, 19वां क्वेश्चन, संपदा स्कीम इज रिलेटेड टू इम्पावरिंग वुमेन थ्रू माइक्रो फाइनेंस, एग्रीकल्चर संपदा स्कीम किस नाल संबंधित है? संपदा स्कीम है जी जो वह संबंधित है एग्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री नाल। तो ऑप्शन केड़ा करैक्ट होया जी? अपना ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि एग्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री नाल संपदा संबंधित है। 20वां क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नवरत्ना कैटेगरी यूनिट? हाल ऑयल इंडिया लिमिटेड, MTNL ते ऑल ऑफ अबव। हुण नवरत्ना कैटेगरी यूनिट ए ना जी लागी टॉपिक ने एक तरह नाल, हुण तुसी सिर्फ ये याद रख लेना हाल ऑयल इंडिया लिमिटेड MTNL ये सारे किस च आंदे ने? नवरत्ना कैटेगरी यूनिट च आंदे ने। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करैक्ट है, इतने नवरत्ना कैटेगरी यूनिट। जेकर तुसी जानते हो तो तुसी कमेंट बॉक्स से कमेंट कर देना नवरत्ना कैटेगरी यूनिट होंगे की ने। वधदे हैं जी हुण अगले क्वेश्चन वाल, हुण असीं गल करांगे इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट बारे। इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट का जो टॉपिक अपना आया सी मॉक टेस्ट च, हुण उसदे आपां 20 क्वेश्चन देखांगे। 21वां क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग्स आउट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर? कहिंदे जी फैक्ट्रियां विच काम कर रहे वर्करां वास्ते कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर कौन जनरेट करता है? ठीक है जी, कौन ब्रिंग आउट करता है? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, द लेबर ब्यूरो, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ परसोनल एंड ट्रेनिंग। तो कौन वो करता है जी? तो वो करता है जी द लेबर ब्यूरो। तो ऑप्शन नंबर सी साडा की है करैक्ट है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर इंडस्ट्रियल वर्करों वास्ते कौन दिंदा है? लेबर ब्यूरो। अगे वधदे हां जी 22वां क्वेश्चन, कहिंदे जी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल। ठीक है जी, NPC। पहली स्टेटमेंट है जी NPC इज ए नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट प्रोडक्टिविटी कल्चर इन इंडिया। दूजी स्टेटमेंट है जी द NPS कम्स अंडर द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड मिनिस्ट्री ऑफ MSE। ठीक है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट?
ओनली वन ओनली टू बोथ वन एंड टू नाइदर वन नॉर टू। तब 22वें क्वेश्चन का अपना करैक्ट आंसर की आना सी जी ऑप्शन नंबर ए साडा करैक्ट है जेड़ा नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल है और नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है प्रमोट करने वास्ते प्रोडक्टिविटी। डील्स विद एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स या फिर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी। ता जेड़ा एस्पायर पोर्टल है जी एस्पायर पोर्टल डील करता है ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी नो एस्पायर पोर्टल डील विद ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी। ता ऑप्शन नंबर डी के आना सी साडा करेक्ट आना सी एस्पायर पोर्टल। ठीक है जी अगे वधदे हैं जी क्वेश्चन वाल। हुण देखो जी फाइंड द करेक्ट मैच मिनिमम वेज एक्ट कहिंदे 1948 मैटरनिटी बेनीफिट एक्ट 1961 विच पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1971 विच द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 विच इन्हां विचों केड़ा करैक्ट नहीं है ये तुसी फाइंड आउट करना है। तां ऑप्शन नंबर सी सी जो साडा वो करैक्ट नहीं है बाकी करैक्ट ने जी। मिनिमम वेज एक्ट आया 1948 विच मैटरनिटी बेनीफिट एक्ट आया 1961 विच ट्रेड यूनियन एक्ट आया 1926 विच ये साडा गलत है जी। तां ये करैक्ट ऑप्शन सी। अगे चलते हैं जी 25वां क्वेश्चन ते इंपोर्टेंट क्वेश्चन। वैन वाज सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वूमेन इंप्लॉय एट वर्क प्लेस एक्ट पास। ठीक है जी सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट वर्क प्लेस का कदों पास होया 2007 2001 1995 या फिर 2013 तक कदों पास होया सी जी सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट ऑफ वूमेन इंप्लॉय एट वर्क प्लेस एक्ट। ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ 2013 ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਡੀ ਕਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ 2013 ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। 26ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 1 ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਆਰਟੀਕਲ 24 ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ ਬੀ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 1। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਸਾਡਾ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 27ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਏਜ ਫੋਰ ਬੀਇੰਗ ਐਲੀਜੀਬਲ ਐਜ ਚਾਈਲਡ ਅੰਡਰ ਦੀ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਐਕਟ 1986। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਐਕਟ ਕਦੋਂ ਆਇਆ 1986 ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਡਰ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਐਕਟ 14 ਈਅਰ 16 ਈਅਰ 18 ਈਅਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੀ 12 ਈਅਰਸ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਏਜ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਏਜ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ। ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਏਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਸਾਡਾ ਕਰੈਕਟ ਹੈ 14 ਈਅਰ ਜੇਕਰ ਚਾਈਲਡ ਅੰਡਰ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 14 ਸਾਲ। 28ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਫਸਟ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ ਵਾਜ ਇਨੈਕਟਿਡ ਇਨ 1881 1895 1897 1885। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦ ਫਸਟ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਫਸਟ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ 1881 ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 29 ਸੈਕਸ਼ਨ 99 ਤਾਂ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਵਰਕਰ ਅੰਡਰ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ 1947 ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 111 ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਪੇਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 30ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਜੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 49 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਸੈਕਸ਼ਨ 49 ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ 1947 ਸੇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫਿਸਰ ਕੈਂਟੀਨਸ ਰੈਸਟ ਰੂਮ ਜਾਂ ਨਨ ਆਫ ਦੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਤਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 49 ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ 1947 ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਸਾਡਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਸਾਡਾ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 31ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। ਵਿਚ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਸ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਦੀ ਵਰਕਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਦਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਾਂ ਬਾਰੇ? ਕਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਦਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਾਂ ਬਾਰੇ? ਸੈਕਸ਼ਨ 111, ਸੈਕਸ਼ਨ 111 ਏ, ਸੈਕਸ਼ਨ 110 ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 112? ਤਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 111 ਏ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਵਰਕਰਸ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਬੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 32ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। 32ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਦਾ ਇੰਪਲੋਏ ਸ਼ੇਅਰ ਆਫ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਈ ਐਸ ਆਈ ਐਕਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈ ਐਸ ਆਈ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋਗੇ ਜੀ ਈ ਐਸ ਆਈ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੰਪਲੋਇਰ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੰਡਰ ਈ ਐਸ ਆਈ ਐਕਟ? 12%, 8.33%, 1.75%, ਜਾਂ 4.75%? ਤਾਂ ਇੰਪਲੋਇਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ 4.75%। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 33ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦਾ ਇੰਪਲੋਏ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ। ਇੰਪਲੋਏ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਸਾਈਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇੰਟਰਾਮਿਊਰਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਕਸਟਰਾ ਮਿਊਰਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਕੀ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆਣਾ ਸੀ, ਐਕਸਟਰਾ ਮਿਊਰਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 34ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਨ ਵਿਚ ਈਅਰ ਵਾਜ ਦੀ ਇੰਪਲੋਏ ਸਟੇਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਕਟ ਇਨੈਕਟਿਡ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੋਇਜ ਸਟੇਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਕਟ ਇਨੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀ? 1948, 1976, 1923 ਜਾਂ ਫਿਰ 1961? ਕਿਹੜੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਕਟ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 35ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ। ਦੀ ਟਰਮ ਸੈਬਾਟੀਸ਼ਲ ਇਜ਼ ਕਨੈਕਟਿਡ ਵਿਦ, ਸੈਬਾਟੀਸ਼ਲ ਇਜ਼ ਕਨੈਕਟਿਡ ਵਿਦ ਪੇਡ ਲੀਵ ਫੋਰ ਸਟੱਡੀ, ਪੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ, ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਨ ਆਫ ਦੀਜ਼? ਤਾਂ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਬਾਟੀਕਲ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਿਡ ਹੈ? ਤਾਂ ਸੈਬਾਟੀਕਲ ਕਨੈਕਟਿਡ ਹੈ ਜੀ ਪੇਡ ਲੀਵ ਫੋਰ ਸਟੱਡੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੇਡ ਲੀਵ ਫੋਰ ਸਟੱਡੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਸੈਬਾਟੀਕਲ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 36ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ। ਅੰਡਰ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ ਨੋ ਵਰਕਰ ਇਜ਼ ਪਰਮਿਟਿਡ ਟੂ ਵਰਕ ਫੋਰ ਮੋਰ ਦੈਨ ਡੈਸ਼ ਆਰਸ ਇਨ ਅ ਡੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਵਰਕਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ 8 ਘੰਟੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ 9 ਘੰਟੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ 10 ਘੰਟੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ 24 ਘੰਟੇ। ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਵਰਕਰਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਵਰਕਰ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਕਰ 9 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 37ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇਜ ਡਿਫਾਈਂਡ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 8, ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 9, ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 10, ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 11? ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਡਿਫਾਈਨ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਆਉਣਾ ਸੀ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 10, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 38ਵਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਥਰੂ? ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ 1947, ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ 1883, ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ 1881 ਜਾਂ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਡ ਡਿਸਪਿਊਟ ਐਕਟ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਬੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਹੋਈ ਸੀ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ 1881 ਦੇ ਥਰੂ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ ਸੀ?
एबोल्यूशन ऑफ चाइल्ड लेबर फैक्ट्री एक्ट 1881 दे तहत। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट है जी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 1883 दे थ्रू इसी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है जी इसका। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी, फैक्ट्री एक्ट 1883 दे थ्रू पहली बार चाइल्ड लेबर इंट्रोड्यूस हुई सी। अगे वधदे हैं जी, 39वां क्वेश्चन, रिस्ट्रिक्शन ऑफ वुमेन इन नाइट एम्प्लॉयमेंट वाज इंट्रोड्यूस, कहते रिस्ट्रिक्शन ऑफ वुमेन नाइट एम्प्लॉयमेंट च वुमेन के काम करने से रोक किस दे थ्रू इंट्रोड्यूस हुई, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट, वुमेन प्रोटेक्शन 1883, फैक्ट्री एक्ट 1883, या फिर फैक्ट्री एक्ट 1947। रिस्ट्रिक्शन वुमेन दी, वी वुमेन है जो ऑन नाइट च इंप्लॉयमेंट नहीं करूंगी, ओ जी फैक्ट्री एक्ट 1883 दे थ्रू इंट्रोड्यूस, तो ऑप्शन नंबर साडा सी जेड़ा है वो करेक्ट है। अगे वधदे हैं जी, ते आखिरी क्वेश्चन है जी, 40वां क्वेश्चन, दियो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी, 8 घंटे, कहंदे जी द ओवर टाइम वेज वाज गिवन फॉर वर्क बियॉन्ड 8 आवर्स एज फैक्ट्री एक्ट 1883। सो दोस्तों अज असी ये करे ने जी टैक्सेशन ते इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट दी एक्सप्लेनेशन। जेकर तुहानू अज दी वीडियो पसंद आई तां वीडियो नू लाइक जरूर करो ते अपने सजेशन कमेंट बॉक्स च सजेस्ट जरूर करो ते वीडियो नू शेयर जरूर करो, चैनल नू सब्सक्राइब करना ना भूलो। दोस्तों हुण तुसी स्क्रीन ते साडे इंस्टीट्यूट दे कुछ ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स देख रहे हो, हुण तुसी साडे नाल फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम ते यूट्यूब ते जुड़ सकदे हो। फेसबुक ते साडे नाल जुड़न लई तुसी सर्च करना है @PunjabKnowledgeHub, ओ उत्थे साडा पेज आऊगा, उस नू तुसी लाइक ते फॉलो जरूर करना है जी। साडे फेसबुक पेज नू लाइक ते फॉलो जरूर करना है। उस तो बाद टेलीग्राम ते साडे नाल जुड़न लई तुसी @PunjabKnowledgeHub टाइप कर सकदे हो, जां फिर जेड़ा लिंक है ओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वीडियो दी डिस्क्रिप्शन च फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम दा लिंक है जो ओ दित्ता होया है, उस तो तुसी ए ज्वाइन कर सकदे हो। इंस्टाग्राम ते भी जेकर तुसी जुड़ना चाहुंदे हो तां डिस्क्रिप्शन बॉक्स च दित्ते गए लिंक दे राहीं भी जुड़ सकदे हो, जां फिर तुसी इंस्टाग्राम ते सर्च कर सकदे हो @PunjabKnowledgeHub, यूट्यूब ते तुसी सर्च कर सकदे हो PunjabKnowledgeHub। जेकर तुसी मॉक टेस्ट देना चाहते हो जेड़ा हर हफ्ते फ्री मॉक टेस्ट हुंदा है, तां तुसी साडे टेलीग्राम ग्रुप विच शामिल हो सकदे हो। जेकर तुहानू मॉक टेस्ट दे रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, ठीक है जी, तां तुसी कॉल कर सकदे हो +91 कंट्री कोड 9041540772। ठीक है जी, इस नंबर ते तुसी कॉल करके, कॉल टाइमिंग ने जी सैटरडे ते संडे 9 तो 5 बजे तक। ठीक है जी, सैटरडे संडे 9 तो 5 बजे तक तुसी इस नंबर ते कॉल करके किसी भी तरह की जानकारी ले सकते हो। सो दोस्तों जेकर तुहानू अज दी वीडियो नू लाइक जरूर करो ते साडे चैनल पंजाब नॉलेज हब नू सब्सक्राइब करना ना भूलो। थैंक यू।